हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज का जो अपडेट आ रहा है वर्क फ्रॉम होम जॉब का है। सो हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज आई हुई हैं, 10 से 12 टाइप की वैकेंसीज हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कहीं पर भी नहीं जाना, वर्क फ्रॉम होम आपकी ये प्योरली जॉब रहने वाली है। पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम भी है। आज ही नोटिफिकेशन आया है, सबसे पहले आपके लिए लेकर आई हूँ। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ घर पर बैठकर ही आपको इसके लिए वर्क करना होगा। फिक्स्ड सैलरी आपकी इसमें रहने वाली है, पार्ट टाइम की उनके अकॉर्डिंगली और फुल टाइम की उनके अकॉर्डिंगली रहेगी, और वो डिपेंड करते हैं आपके वर्किंग आवर्स पर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसमें आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं वो आपको साथ ही साथ पता चल जाएगा, किस तरह से वो भी बताऊँगी। वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आए हैं, मैं आपके लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब, प्राइवेट वैकेंसीज, गवर्नमेंट वैकेंसीज, हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमेशा लेकर आती ही रहती हूँ। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, अगर आप आए हैं फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इसे रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारी नई डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट, सिटी या टाउन के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। www.glory.com लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा और आप वेबसाइट देख भी पा रहे हैं। आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हो, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम भी है, मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स्ड आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है, पार्ट टाइम की उनके अकॉर्डिंगली, फुल टाइम की उनके अकॉर्डिंगली सैलरी रहेगी। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करते हैं इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे मेरा और मन करता है मैं आपके लिए अच्छे अच्छे अपडेट लेकर आऊँ। अभी हम वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम भी है, और ये आपका वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है। पार्ट टाइम की उनके अकॉर्डिंगली सैलरी रहेगी, पार्ट टाइम के साथ ही अगर मान लीजिए आपके पार्ट टाइम जॉब है वो 4 आवर्स की, अगर आप 5 आवर्स वर्क करते हैं तो उसमें आपको इंसेंटिव साथ में वो ऐड किए जाएंगे सैलरी के साथ। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है और आपकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, मिनिमम आपकी जितनी मर्जी आप अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम भी जितनी मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप के कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जॉब होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग जॉब होने वाली है। इसमें अलग अलग पोस्ट वाइज वर्क रहेगा, और इसमें आपका एक ये भी वर्क रहेगा कि आपको क्वेश्चंस पेपर दिए जाएंगे रिव्यू करने के लिए, हो सकता है आपको जानबूझ के चेक करने के लिए भी दिए जाएं कि आप उसमें कोई मिस्टेक निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली आपको उसमें जो मिस्टेक है, मतलब उसमें कोई कमी तो नहीं है, वो आपको फाइंड करना है जो भी आपको असाइनमेंट दी जाएंगी। इसके अलावा अलग अलग पोस्ट वाइज इसमें आपका वर्क रहेगा। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बहुत टाइप की इसमें वैकेंसीज है, 10 से 12 टाइप की वैकेंसीज है जो आउट हुई है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और किस टाइप की जॉब रहने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। अगर आप SSC, रेलवे या बैंक के किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग पॉइंट है अनअकैडमी, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, और वहां पर आपको फ्री में प्रेपरेशन भी करवाई जा रही है, जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड यूज कर लेना, अनलॉक कोड जो कि है तानिया TANYA, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और रेलवे के आप किसी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की, जो कि हम बात कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में, जिसमें फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें जो पहली पोस्ट की अगर हम बात करें वो आउट हुई है, ई लर्निंग कंटेंट राइटर की वैकेंसीज है। इसमें जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 0 से 5 ईयर्स का, मीन्स फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है इंग्लिश के साथ
तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है, तो फर्स्ट पोस्ट के लिए यही एलिजिबिलिटी है, जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन इंग्लिश के साथ की है या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए सेकेंड जो पोस्ट आउट की गई है वो है एसोसिएट एडिटर बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए। इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है बिजनेस में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स के साथ या स्टैटिस्टिक्स के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी नहीं जाना, घर पर बैठकर ही आपको इन सारी वैकेंसीज के लिए, जॉब के लिए आपको वर्क करना होगा। इसके लिए हम बात करते हैं कौन सी कितनी वैकेंसीज आउट हुई है। जो सेकंड वाली वैकेंसी, इसके लिए लिमिटेड वैकेंसीज है, सिर्फ 8 पोस्ट आउट हुई है। अगर एलिजिबल है अप्लाई आपने ज़रूर करना है। 10 से 12 टाइप की वैकेंसीज है, बहुत सारे कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पोस्ट की। जो थर्ड पोस्ट आउट हुई है वो है एडिटर फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके लिए ये जो जॉब है, ये वाली फुल टाइम जॉब आपकी है, पार्ट टाइम आप इस पोस्ट को नहीं कर सकते, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और ये आपकी जो पोस्ट है, जो थर्ड पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये डे शिफ्ट के लिए नहीं है। नाइट शिफ्ट के लिए अगर आप कंफर्टेबल हैं, जाना तो कहीं नहीं है, वर्क फ्रॉम होम आपकी जॉब है, मेल फीमेल दोनों में भी कंफर्टेबल होंगे, अगर एलिजिबल है अप्लाई आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट आपको बताऊंगी सिलेक्शन आपकी कैसे होने वाली है, और साथ ही साथ कैसे आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। इसमें आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। जब आपकी एचआर के साथ राउंड होगा, घर पर बैठकर ही ये भी आपका राउंड होने वाला है ऑनलाइन, और आपको उनको बताना है कि आप फुल टाइम के लिए इंटरेस्टेड है या पार्ट टाइम के लिए इंटरेस्टेड है। फिर जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो आपको साथ ही साथ बताएंगे, पार्ट टाइम के लिए क्या सैलरी है, फुल टाइम के लिए क्या है। पार्ट टाइम अगर आप कर भी रहे हैं, 4 आवर्स की पार्ट टाइम की मिनिमम आपकी जॉब रहती है, अगर आप 5 आवर्स या उसकी जगह 6 आवर्स भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, वो भी आपको साथ ही साथ बताया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट आउट हुई है वो है एडिटर की, जिसमें अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस के लिए है। इसके लिए भी फ्रेशर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही। ये भी प्योरली वर्क फ्रॉम होम जॉब है, पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम भी है, जिसके लिए आप इंटरेस्टेड आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन रेलिवेंट डिसिप्लिन में की है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। जो नेक्स्ट पोस्ट आउट हुई है वो है एडिटर फीडबैक स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। इसके लिए 6 पोस्ट है, लिमिटेड वैकेंसीज है, और इंटरेस्टिंग पोस्ट आपकी ये होने वाली है। फीडबैक स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, जिसमें आपको फीडबैक देने हैं, जो भी आपको असाइनमेंट या अदर एलिजिबिलिटी या अदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, वो आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू बताया जाएगा। तो अगर एलिजिबल है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप के हो आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो फीमेल हो दोनों एलिजिबल है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि एडिटर रिव्यूअर के लिए वैकेंसीज है। इसमें आपका नाम से समझ में आ रहा है कि आपको इसमें रिव्यू देना है, किस रिगार्डिंग होगा वो आपको बताएंगे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको सारा कन्फर्म किया ही जाएगा आपका बेसिकली वर्क क्या रहने वाला है। इसमें भी फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ये भी वर्क फ्रॉम होम आपकी प्योरली जॉब रहने वाली है। और इसमें भी एक कंडीशन है, ये जो पोस्ट है ये नाइट शिफ्ट के लिए है, नाइट जॉब आपके लिए अगर इंटरेस्टेड है आप अप्लाई कर सकते हैं। जाना तो कहीं नहीं है, घर पर बैठकर ही करना है, और आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आपने इस पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो भी एडिटर रिव्यूअर के लिए है, लेकिन ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है, जैसे फिजिकल साइंस एंड इंग्लिश के लिए है। ये भी जो पोस्ट है ये नाइट शिफ्ट के लिए है। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि एडिटर बायोलॉजी की पोस्ट है। फुल टाइम ये आपकी जॉब है, वर्क फ्रॉम होम ही है, मतलब ये जो पोस्ट है एडिटर बायोलॉजी की, ये पार्ट टाइम के लिए नहीं है, आपको फुल टाइम ही वर्क करना होगा। आपने ग्रेजुएशन की हुई है रेलिवेंट डिसिप्लिन में, मतलब आपने बायोलॉजी में की है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी सेम पोस्ट है, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में की है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो एसोसिएट एडिटर की पोस्ट है, पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग के लिए है। ये जो पोस्ट है इसके लिए फ्रेशर भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इन्होंने मेंशन किया है 0 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब 0 मींस फ्रेशर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपने डिग्री की हुई है मेडिसिन में या फिर लाइफ साइंस में, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि एडिटर
फार्मा साइंस के लिए पोस्ट है, इसके लिए भी आपने फुल टाइम यही जॉब आपकी रहने वाली है, वर्क फ्रॉम होम ही है, बट ये वाली पोस्ट पार्ट टाइम के लिए नहीं है। इन्होंने साथ ही साथ हर पोस्ट के साथ मेंशन किया हुआ है कौन सी पार्ट टाइम है, कौन सी फुल टाइम है, कौन सी नाइट शिफ्ट के लिए है या कौन सी जनरल शिफ्ट के लिए है, मतलब डे शिफ्ट के लिए है। तो उसमें इन्होंने साथ ही साथ मेंशन किया, आप अपने अकॉर्डिंगली चेक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसमें कौन कौन एलिजिबल है। इसमें अगर आपने डिग्री की हुई है मेडिसिन में या फिर लाइफ साइंस में, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 0 से 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसके लिए भी है, मतलब फ्रेशर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 0 मीन्स फ्रेशर और लास्ट जो एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स तक भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपका पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, उसी के साथ आपको कंपनी एंड से मेल आ जाएगी कि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो नेक्स्ट आपका राउंड है उसके लिए क्वालिफाई है या नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका रेलिवेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और आपको 90 मिनट्स इसके लिए दिए जा रहे हैं। और अप्लाई करते वक्त ही आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की ऑप्शन मिल जाती है। जब आप अप्लाई करने जाएंगे, आपको अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है और एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से मेल आ जाएगी, जो मैंने आपको बताया है कि आप सिलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट राउंड के लिए या नहीं हुए हैं। अगर आपको मेल नहीं आई, दैट मीन्स आप एलिजिबल नहीं हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आपका होगा एचआर राउंड होगा, और जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, डिपार्टमेंट हेड से आपका राउंड हो सकता है सेकेंड वाला। और डिपार्टमेंट हेड से जब आपका राउंड होगा, अगर आप क्वालिफाई होंगे, तो आपका जो राउंड होगा वो एचआर के साथ होगा, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताएंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई जाएंगी, जिसमें आपको वहाँ पे बताना है कि आप फुल टाइम के लिए इंटरेस्टेड है या पार्ट टाइम के लिए इंटरेस्टेड है। वहीं पे आपकी सैलरी डिस्कशन होगी या अदर अलाउंस अगर आपको पे किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। ये जो रिक्रूटमेंट आउट हुई है, कैक्टस कंपनी ने आउट की है, सारी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अलग अलग पोस्ट के आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट लिंक पे आपने जब क्लिक करना है, लास्ट में आपको मिल जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, वहीं पर क्लिक करके अप्लाई कीजिए। एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं साथ ही साथ आपको ईमेल आ जाएगी। और इसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो चाहे हिंदी से रिलेटेड हो, तो आपके होने चाहिए। अगर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज में सैलरी आपकी स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी रहती है, एज पर नॉर्म्स इसमें सैलरी आपकी हो सकती है जो भी रहेगी। बाकी अगर एलिजिबल है, अप्लाई आपको ज़रूर से करना है। यहीं पे वीडियोस ख़त्म नहीं हो जाती, बहुत सारी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ ही रही हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों की, अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज। नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग आ रही है, तैयार रहना। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल साइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो इसके अलावा वैकेंसीज आई है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।